तीन मैच खत्म हो गए, अरे चुप जाओ, दो जीते एक हारे, पर ठीक है ओवरऑल ठीक करा। गिरमत जी हो हाँ। तो अभी मिल गया मोमेंटो, आपने देखा होगा इस सारी वीडियो, अब एक एक का इंटरव्यू लेंगे। वेट इंटरव्यू, तो सबसे पहले आएगा डिसिप्लिन वाला लड़का, जो सबसे अच्छी डिसिप्लिन करी है उसने। तो केशव आप ये बताएं, डिसिप्लिन लेके आप कैसे लग रहे हो? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आपने डिसिप्लिन करा है जो आपको मिला है? सर पता नहीं हो तो तीन बार बताएंगे। आप बताओ ना, आपको क्या लगता है? हाँ थोड़ा क्या है आपने, और कैसा लगा आपको बॉल डाल के? अच्छा लगा। अच्छा लगा, और मैच खेलना चाहोगे आप? ठीक है, तो ये केशव थे पांचाल भजनपुरा से, और अब और आएंगे अभी, बायोडाटा उनका सारा दे देंगे। जाओ मैडम, ताली वाली बजा छोड़ जाओ। अगला आएगा गुरदीप, ये ये है एक्स खपीटर, क्योंकि मेन खपीटर विशाल है, तो वो खपीटर ये इमर्जिंग प्लेयर है, और इसे पूछेंगे कैसा रहा भाई, आपने दूसरे मैच में बैटिंग करी उम्दा, कैसा फील हो रहा है? मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैं लास्ट में गया था तो लास्ट में जाके अच्छा फील हो रहा है। नहीं नहीं, मेरे को जैसे करना था मैंने वैसे ही करा, सिंगल डबल निकाल लिए थे, मेरे को डॉट नहीं करना था ज्यादा। एक आपने जो चौका दिया सामने, उससे मैं बड़ा खुश हूँ, तो कैसे तुक्के में लगा, सोचा था या बॉल की मेरिट पे मारा? बॉल की मेरिट पे मारा था वो मैंने, क्योंकि वो बॉल थोड़ा फ्लाइटेड आया था। अच्छा। मैंने आगे निकल के थोड़ा सा उसको मारने का। तो आपको ओवरऑल कैसी लगी हमारी टीम? टीम अच्छी है, ग्राउंड भी अच्छा था, ग्राउंड अच्छा था, थोड़ा दो तीन जो प्रॉब्लम थी वो मैंने डिस्कशन की है, उसके अलावा ओवरऑल बेस्ट था। चलो दोबारा आना चाहेंगे आप? हाँ। बिना भाई के कैसे भी आ जाएंगे। अगला बड़ा बोल वेदांश कुमार, खुद ही आ गया ये। तो वेदांश जी क्या कहना चाहेंगे आप इस ट्रिप के बारे में? बहुत अच्छा था, यहाँ पे बहुत ही मजा आया, और खेल के नया एक्सपीरियंस मिला नई जगह खेलने का। एंड टाइम पे आपका आने का प्रोग्राम बना, क्योंकि आप आ नहीं रहे थे आपकी तबीयत की वजह से, और मैंने सिंपली एक बात कही थी, मेरा फास्ट बॉलर नहीं आएगा तो टीम कैसे खेलेगी जी। ना आपने 5 विकेट लिए, तो कैसा लगा? ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा लगा मुझे 5 विकेट लेने के बाद, और सब खुश है, बोलते रहे, और घर वाले भी खुश है, टीम वाले खुश है, सब अप्रिशिएट कर रहे हैं। नहीं घर वाले खुश है, टीम वाले को पता नहीं मुझे, वो खुश है नहीं है। आप इतने बड़े बोल क्यों बोलते हो मुझे बस वो बताओ, आप करो चुपचाप करो ना, किसी से क्या मतलब फालतू बोल के करना क्या, डिसिप्लिन में जो करना अपने मन में रखो, बड़े बोल तो क्या, इससे क्या सीख मिलेगी आपको? ज़्यादा सुनना है बोलना कम, ज़्यादा सुनना है बोलना कम, और जो मन की बात है वो अंदर रखनी है, किसी के सामने एक्सपोज नहीं करना, ठीक है? चलिए अगला बंदा दर्शन। तो ये है दर्शन, होपफुली इनकी बैटिंग नहीं है बट उन्होंने फील्डिंग करी, थोड़ा इनको प्रॉब्लम है आइस से, बट दर्शन जी आप ये बताइए ग्राउंड का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ग्राउंड अच्छा था, मजा आया खेल के, स्टे विस्टे आपको थोड़ा ऊपर नीचे लगा? ऊपर नीचे था थोड़ा, खुले आजादी नहीं मिली आपको, बटर चिकन नहीं मिला, तो दो तीन चीजें है इसमें, बट कोई नहीं, ये एडजस्ट तो करना पड़ेगा, कहीं और जाओ खेलने से बुरा मिल गया तो फिर क्या करोगे, भाग जाओगे? बोलिए। नहीं भागेंगे तो नहीं करेंगे, थोड़ा 10-20 किलोमीटर जाना पड़े तो। आप ये बताइए यार, टीम में से सबसे आपको बेस्ट लड़का कौन लगा ओवरऑल, जो इस ट्रिप पे थे जिसने परफॉर्म भी किया, टीम के साथ डिसिप्लिन भी दिखाई और अच्छा भी रहा? दिव्यांश बहुत बढ़िया, चलिए शाबाश। अगला पीयूष, ये है भांजे हमारे, कहते हैं मैं भैया हैं, मगर है भांजे हमारे। हाँ जी भांजे साहब, थोड़ा ये मुंह क्यों खोलते हो आप जब बात करते हो या बैठे रहते हो? ये तो बचपन यार सुधारने चाहिए, शर्माए मत ऊपर मुंह करिए। तो आप इस ट्रिप पे कैसे हैं, खुश हैं या खराब हैं? खुश हैं। आपका ऐसा क्यों मुंह बन जाता है, जैसे आपको बोल ना दे कप्तान या कोच, तो कुछ ऐसा आपका मोरल डाउन हो जाता है क्यों? परफॉर्मेंस करने का मन रहता है। तो मन एक बात बताइए, जब 11 लड़के खेलेंगे 11-11 का परफॉर्मेंस करेंगे, आपकी जब जरूरत होगी तब आएंगे आप, बैटिंग में जब जरूरत हुई आपको पूरा मौका मिला, पहले मैच में भी मिला, ठीक है और भी मिलता रहता है, तो इतना नर्वसनेस क्यों रहते हैं आप? थोड़ा परफॉर्म करने का प्रेशर होता है कि क्यों प्रेशर, क्या इस परफॉर्मेंस से आप क्या इंडिया खेल जाएंगे फिर? और ग्रो अप होता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है परफॉर्मेंस, ठीक है। तो इसको प्रेशर मत लो, ये सोचो कि इम्प्रूवमेंट कैसे आए, प्रेशर लोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, इम्प्रूवमेंट करोगे तो अच्छा कर पाओगे, ठीक है। चलिए अगला दिव्यांश आइए। तो दिव्यांश है, इनको क्या मिला है आपको? मैन ऑफ द सीरीज मिली है, क्यों मिली है? फील्डर इनकी अच्छी है, बॉलिंग इनकी अच्छी रही है और बैटिंग अच्छी रही, तो दिव्यांश ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहेगा?
पर ओवरऑल बहुत अच्छा रहा, और जो ग्राउंड है वो भी बहुत अच्छा था, यहाँ का स्टे भी अच्छा है, बस थोड़ा वॉशरूम में था और मज़ा आया, टीम भी अच्छी है, आपका भी सपोर्ट था, अच्छा लगा था खेल के। तो जैसे आप पहले भी कहीं ट्रिप पे गए हो तो यहाँ पे शायद दूसरा ट्रिप होगा, तो कंपेयर की जाए दोनों चीज़ें सेम है कुछ ऊपर नीचे है? सेम है सर, बस थोड़ा वही स्टे का था, बस स्टे का वरना वैसे बाकी सब अच्छा था। और अच्छा ठीक है, और आप टीम के बारे में क्या बोलेंगे? टीम तो अच्छी है, सपोर्टिव है। कोई एक एक्स प्लेयर इम्पैक्ट लगा हो? इम्पैक्ट गुरदीप में लगा और केशव में। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला अनुराग पांचाल, बढ़ाते रहो यार। रांश पांचल है, इन्हें बेस्ट फील्डर का अवार्ड मिला है, इन्होंने एक बेहतरीन कैच पकड़ा था। रांश पांचल जी क्या कहना चाहेंगे इस ट्रिप के बारे में? बोलते रहिए। कैच मतलब ट्रिप के बारे में, ट्रिप तो अच्छा ही था, मतलब ऑल ओवर एक्सपीरियंस भी बढ़िया ही था, सही था मैचेस भी थोड़ा, लेकिन बैटिंग थोड़ा सा अनलकी सा रहा मेरे लिए। बैटिंग में रन नहीं बने, कोई नया सामान सूट नहीं हुआ कह सकते हैं। कोई बात है, बहुत सारे मैचेस में सूट करवाओ, ठीक है। तो जैसे आपको 10 बजे फोन ले लेते थे, सुबह देते थे, तो उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई आपको? नहीं, मैं तो 9:30 से बताना था, 9:30-10 बजे सो जाता। झूठ मत बोलिए। नहीं, मैक्सिमम मेरा 10:30-11 बजे घर पे सो जाता। अच्छा, घर की बात है। किसको प्रॉब्लम हुई यहाँ पे फोन के चक्कर में? फोन के चक्कर में थोड़ा सा संपूर्ण, मतलब मैक्सिमम तो सबको ही हुई है, लेकिन थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि संपूर्ण को ही है। तो मेन मकसद मेरा ये था फोन लेने का, डिसिप्लिन में रहो, क्योंकि इतने सारे आप ग्रुप में बच्चे हो, फोन में क्या करो मुझे कुछ नहीं पता। 10 बजे चुपचाप सो, क्योंकि मैं 5 बजे उठाता था। एक और मेन चीज, कल आपने सुबह फिटनेस करी, उस फिटनेस के बारे में क्या बोलेंगे? बढ़िया फिटनेस थी, मतलब यहाँ पे आपने भी बताया था कि यहाँ पे अगर थोड़ा एक्स्ट्रा करेंगे तो फिर वहाँ पे जाके फायदा होगा। हाँ, फायदा होगा, यहाँ पे पतली है थोड़ी सी। अच्छा, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आइए अक्षत जी। तो ये इंसान वो है जिसके पापा घबरा रहे थे भेजने से पहले कि तबीयत खराब ना हो जाए छोरे की। हाँ जी, तबीयत कैसी है? सर बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। कैसा लगा आपको यहाँ पर 2 मैच में बोल डालिए? पहली बार ही आ गया सर मैं तो ट्रिप पे, मतलब मैंने, मेरे को मतलब लगा नहीं था कि इतना अच्छा होगा। दूसरी टीमों का देखा, फिर आपने देखा कंपेरिजन में, अपना मतलब मजा आया वो। और एक चीज़ और, जो क्रिकेट नहीं खेलते ना, जो पढ़ने में ध्यान लगाते हैं, 90% आई है 10th क्लास में, क्रिकेट भी खेल रहा है। इतनी बड़ी चीज, और माँ बाप का जिगरा खोल के क्रिकेट खेल रहा है, और क्रिकेट अच्छा भी खेल रहा है। तो ओवरऑल ग्राउंड टीम कैसा? सर उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब थोड़ा बहुत तो एडजस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ कहीं परफेक्ट नहीं मिलती, क्योंकि 5 उंगलियाँ भी सेम नहीं होती है। एक कोई इम्पैक्ट पेड़ लगाओ टीम में, एनीवन? दिव्यांश। शाबाश, चलिए बहुत बढ़िया। कौन रह गया? शिवांशु। आया भाई, डर मत। तो हमारे ईशान शर्मा है। तो ईशान शर्मा जी, सॉरी शिवांशु जी, तो ये बताइए आप थोड़ा दम क्यों नहीं लगाते? बोलो, फिटनेस आपने इतनी अच्छी करी कल, तो दम लगाने में क्या दिक्कत, कंजूसी करते हैं आप? ये इनमें जाने नहीं है, तो दम क्यों लगाते हैं आप? पता नहीं क्या होता है, क्या होता है इधर, नर्वस क्यों करते हैं? तो नर्वस क्यों होता है? बात कर, वीडियो शूट हो रही है। पता नहीं सर, रीजन नहीं पता। इसकी बैटिंग भी अच्छी है, बॉलिंग भी अच्छी है, बट ये खाने के लिए जा रहा है, इसका पेट असर कर रहा है कि मुझे रोटी दो, जाओ रोटी दो इसको, बालू आ जाएगा बीच में, वो तो देखा जाएगा। तो ये कच्चा चबा जाएगा, 2 दिन का खाना है तो उसका। ऊपर बैठे, भूख लग रही है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा लगा आपको? अच्छा था, स्टे भी ठीक ठाक था, बस खुश हो गया, बाकी ग्राउंड भी अच्छा था, ठीक लगा। अच्छा एक चीज़ और, मैटिंग यहाँ पे वो नहीं था जो होना चाहिए था, क्योंकि ज़्यादातर मैटिंग ना ऊपर खबर होते हैं, यहाँ परफेक्ट था कि बॉल ऊपर भी आ रहा है, एक बॉल नीचे आया दिव्यांश का, बट बाकी सब ठीक है। ठीक, चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए, बेस्ट बैट्समैन। ये मुझसे कुछ 2-3 साल ही छोटे हैं, ये नहीं ज्यादा भी हो सकते हैं, तो छोटा ही हूँ। हाँ, ज्यादा क्या? हाँ, ज्यादा छोटा हूँ। तो आपको कैसा लगा यहाँ खेल के, आप जिंदगी में पहली बार ट्रिप पे आए हैं? नहीं, बाकी मैं एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, बहुत मजा आया यहाँ पे खेल के मेरे को। यहाँ से पहले मेरा लेवल काफी डाउन था, क्योंकि कई मैचों से रन भी नहीं लग रहे थे, तो बैटिंग करने का पहले मैच में 30 रन बनाए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूट सब हुआ, तो फिर नेक्स्ट मैच 46, तो लेवल अप हो गया आपका काफी। अच्छा, और ओवरऑल इसके ट्रिप के बारे में कैसे, गाड़ी में कैसे कैसे गाने बजे, क्या क्या रहा? गाड़ी में तो मेरे साथ जितने भी आए थे सारे के सारे खुश थे, सबने बहुत एंजॉय किया, और मैंने खुद बहुत ज्यादा एंजॉय किया सीरियसली। तो उसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूं। एक इम्पैक्ट प्लेयर टीम का,
इंपैक्ट प्लेयर रुद्रांश रुद्रांश एक ऐसा बंदा जो पूरे ग्रुप को खुश रखता हो द ग्रेट कैप्टन दो शब्द आप खुद ही बोलिए दो शब्द आपका क्वेश्चन पूछने क्या जरूरत है सारे क्वेश्चन पूछ ले दो शब्द कुछ भी सब बढ़िया था सबने अपना बेस्ट दिया और हमने भी दिया बेस्ट और मैच एक मैच हार के फिर दो मैच जीतना काफ़ी टफ होता है बट सबने दिया अपना बेस्ट और मैच जीते हैं सब हंस रहे हैं सब खुश हैं सब बेस्ट था चलो चलिए इसको समाप्त करते भूख लग रही बहुत चलो चलो जी बाय बाय मगर भाई दो बात खत्म हो गई तेरी कह रहे नहीं सर जी दो और बात है मगर पता बैठा चुपचाप मेरे पास कह रहे सर जी ऐसा हाथ लगा नीचे बैठो मगर भाई कोई जरूरी बात है साका आ गया साका तो सुन तो ले मैं भाई देख मेरे को तो पता थी बट मैं सुनना चाह रहा था किसके मुंह से झूठ बोल रहा कह रहा सर जी अपनी मम्मी कसम मैं कह रहा हूँ 6 महीने रिलेशन है और सुनो सर जी लोहड़ी पे मिले थे जब हमारा फेस्टिवल होता है लोहड़ी पे मिले और प्यार ही नहीं हो गया हमें क्यों नहीं हुआ मिली कौन और फिर क्या कहता सर जी सुनो 3 बार बता दी अब आप विशाल सर को मत बताने तो मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाए मैं कहा ठीक है भाई अब मैंने बात बता दी फिर कहता सर जी 2 बात हो रहे मगर बताऊंगा नहीं मैंने कुछ नहीं क्या कुछ ही होगा देख ले किसी तरह ऐसा है कंप्यूटर सॉरी मैं बोल दूं अब तू बता ही तो नहीं रहा तू बता ही तो नहीं रहा बोल दूं सर जी भी मत सर को मत बताना क्लास में लड़की है ना क्या सबके बेस्ट फ्रेंड बन जाते मेरी कैसे बनती है मैं हमारी नहीं बनती हम कैसे बनाए तू बेस्ट हो सबके पास फ्रेंड है और सबके पास गर्लफ्रेंड है मैं कैसे बनाऊं क्यों झूठ बोलता है अच्छा मैं झूठ बोल रहा हूँ बड़े कर दिया तो पढ़ पाऊंगा क्लास में गीता में झूठ क्लास देखने लगेगा जिम में डाल के जा रहा तूने इसके कंधे पे हाथ रखा रख रख कैसे रखा सेम रिएक्शन होना चाहिए क्या करता अब तू कैसा कैसे बोला कैसे बोला हाथ के बाद नहीं कुछ कहा पहले मेरे को पैर रखा चल पैर रखो नहीं 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 एक मिनट ऐसे हाथ डाले उन्होंने गाली दे के हाथ उसके बाद तो कुछ नहीं फिर उसके बाद पैर रखा था नहीं नहीं फिर उसके बाद अलग मैटर हुआ था क्या मैटर वो मैं आपको बारे में बताऊंगा 2 बात बता दे फटाफट मम्मी कसम मैंने बात झूठ बोला बहुत बड़े मैं भी था अच्छी बोल रहा था इसने ऑडियंस के सामने झूठ बोल रहा है बिल्कुल 2 बात बता रहा नहीं बता रहा बता दे सर मैंने कब बोला 2 बात बता देखो ऑडियंस टमाटर अंडे उठा लिए मारे ये जल्दी बता जल्दी बोल पत्थर भी डालिए पत्थर भी डालिए लोगों ने अच्छा सर बात दी थी कोई भी 2 बात ऐसी बता दे जब मैं रात को फोन पे बैठ रहा था कोई भी वैसे मैंने पहले वाली एक भी बात नहीं बताई एक बार सच बोल दो चल ठीक है तू बता पहले 2 बात पहले आप ये कह फिर मैं बोलूंगा पक्का इसने जब कबूल कर लिया तो जैसे ऐसी वैसी बात तो नहीं करते तो कैसे करता है बता दे तो तुम यूं मत कहना कि मैंने बच्चों को बिगाड़ा नहीं नहीं किसी हाँ पहले कान में बता के बतानी बतानी चिलम आदमी है चलो भाई विशाल कह रहा मैंने कब कर लिया बात बताओ जी भाभी ने कहा था रात को उस दिन कि खाली हाथ गए खाली हाथ आना मत तो इन्होंने उस दिन अगले दिन रन मारे इसलिए बेस्ट बैट्समैन लेके गए और ये सच और बात दूसरी है। बात और दूसरी बात ये दूसरी बात तो सुन लो
भाई हम यहाँ पे क्रिकेट खेल लेते, तो भाई ने बहुत देर तक वीडियो कॉल करी थी यहाँ पे और मेरे सुना नहीं कुछ भी। झूठे शक्ल पे झूठे थे, ये तो सच है। इसकी शक्ल पे झूठे, नहीं मैंने कुछ भी नहीं सुना भाई, यहाँ जिंदा झूठ बोल रहा है। अब आप तो सच बोल रहे सर, ये तो किसी से पूछ रहा था, वीडियो कॉल पे बात कर रहा था।